तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन माताओं की जो स्तनपान कराती हैं। स्तनपान कराने वाली माताओं को किन किन चीजों को खाना चाहिए और किन किन चीजों को नहीं खाना चाहिए, तो आइए देखते हैं हमारी इस वीडियो को। स्तनपान करवाने के दौरान आप जो मर्जी वो खा सकती हैं और आपको इस समय कोई खास भोजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक स्वस्थ और संतुलित आहार का सेवन करें, जिसमें रोटी और चावल जैसे स्टार्च से भरे खाद्य पदार्थ, फाइबर के लिए साबुत अनाज, काफी मात्रा में फल और सब्जियां और लीन मीट, अंडे और दालों जैसी प्रोटीन की मात्रा हो। इस आहार में कम वसा वाले दुग्ध उत्पादों जैसे दूध और दही की भी मात्रा होनी चाहिए। टिप नंबर 1, सालमन मछली। सालमन मछली ब्रेस्ट फीडिंग नई माताओं को खानी चाहिए। इसमें DHA नामित वसा का एक प्रकार है जो बच्चे की तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। DHA माँ के दूध में आम है, लेकिन DHA युक्त भोजन का सेवन करने वाली महिलाओं में इसका स्तर ज्यादा होता है। DHA मन के सुधार से जुड़ा हुआ है और प्रवसोत्तर अवसाद निराशा कम करने में सक्रिय काम करता है। टिप नंबर 2, कम वसा वाले डेयरी उत्पाद। बच्चे की हड्डियों के समुचित विकास के लिए माँ को डेयरी उत्पाद रोज खाना बहुत महत्वपूर्ण है। दिन में 3 बार दूध, दही या पनीर का सेवन करें। यह प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन डी और कैल्शियम प्रदान करेंगे। ये बात याद रखें कि माँ के दूध का कैल्शियम शिशुओं की हड्डियों के विकास से जुड़ा हुआ है। टिप नंबर 3, साबुत अनाज। नाश्ते में साबुत अनाज का दलिया खाने से ऊर्जा स्तर को बढ़ावा मिलता है। कई पोषक तत्वों और विटामिन वाले अनाज दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। एक स्वस्थ और पौष्टिक नाश्ता बनाने के लिए ओट मील में स्किम दूध और ब्लूबेरी डालकर खाएं। टिप नंबर 4, भूरे रंग के चावल, जिसे इंग्लिश में हम ब्राउन राइस के नाम से भी जानते हैं। भूरे रंग के चावल साबुत अनाज है और उच्च ऊर्जा स्तर को प्राप्त करने में मदद करते हैं। भूरे रंग के चावल जैसे खाद्य पदार्थ स्तनपान कराने वाली माँ और उसके बच्चे के लिए जरूरी हैं। ऐसे पदार्थ अच्छी गुणवत्ता के दूध का उत्पादन करने में मदद करते हैं। ये आपके शरीर में कैलोरी के उत्पादन के माध्यम से होता है। टिप नंबर 5, हरी पत्तेदार सब्जी। हरी पत्तेदार सब्जी माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छी है। ब्रोकली, पालक और सिव चाट की तरह हरी पत्तेदार सब्जियाँ विटामिन ए, लो और कैल्शियम की समृद्ध राशि प्रदान करती है। उनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके हृदय को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। टिप नंबर 5, अंडे। प्रोटीन युक्त अंडा आपके दैनिक प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए मदद करता है। उबला हुआ अंडा या ऑमलेट के रूप में अंडा अपने नाश्ते में या दोपहर के या रात के खाने में शामिल करें। DHA युक्त अंडे खाएं जो आपके दूध में फैटी एसिड का स्तर बढ़ाएंगे। टिप नंबर 6, ओट मील। स्तनपान करवाने वाली माताओं को पुष्टि देने और दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ओट मील काफी प्रभावशाली साबित होता है। आप सुबह उठकर एक कटोरी गर्मा गर्म ओट्स का सेवन कर सकती हैं, या फिर अपने ओट्स में दही और ग्रैनोला भी मिश्रित कर सकती हैं। ओट मील आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और यह आपके शरीर के रक्तचाप को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। ओट्स की एक बेहतरीन खूबी यह होती है कि इसका सेवन करने से आपके स्तनों में दूध की मात्रा में इजाफा होता है। सो दीज आर द फूड फॉर हेल्दी ब्रेस्ट फीडिंग मदर। जो माताएं अपने नवजात शिशु को स्तनपान कराती हैं, उनको इन इन चीजों को खाने में ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन डेली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटिफुल विद मी।